नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पोहा। चलिए शुरू करते हैं। सामग्री: 5 से 6 ब्रेड स्लाइस, 2 बड़े चम्मच मूंगफली, आधा प्याज, आधी शिमला मिर्च, 50 ग्राम मटर, आधा कप पत्ता गोभी, 1 गाजर, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टमाटर, आधा नींबू, 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच मूंगफली का तेल और बेसन भुजिया। 5 से 6 ब्रेड स्लाइस लें। एक खाली प्लेट और पानी से भरा बोल लें। अब एक ब्रेड स्लाइस को पानी में डुबाकर निचोड़ लें ताकि पानी निकल जाए और छोटे छोटे टुकड़े कर लें। सभी ब्रेड स्लाइस के साथ यही प्रक्रिया दोहराएं। इसे 10 मिनट के लिए अलग रख दें। कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और हरी मिर्च लें। मटर और आधा नींबू भी लें। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून गरम किया हुआ मूंगफली का तेल लें और उसमें मूंगफली डालें। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। पक जाने पर एक प्लेट में निकाल लें। अब कढ़ाई में कटी हुई प्याज, गाजर और मटर डालें और मटर के नरम होने तक भूनें। हरी मिर्च, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डालें। 2 मिनट तक भूनें। अब टमाटर डालें और 1 मिनट तक भूनें। अब 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2.5 छोटे चम्मच नमक डालें। 2 मिनट तक पकाएं। आधा नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिलाएं। भीगे और क्रम्बल ब्रेड के टुकड़े डालें। अब ब्रेड और सब्जियों को अच्छी तरह मिला लें। मिक्स करने के बाद टोमेटो केचप डालें। एक बार फिर से अच्छे से मिला लें। अच्छी तरह मिलाकर एक प्लेट में निकाल लें। भुनी हुई मूंगफली से गार्निश करें और बेसन भुजिया डालें। अब ये खाने के लिए तैयार है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें।